नमस्कार। आप जितने दर्शक अभी हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं रंजन अभिषेक। आज जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान उपस्थित हैं, इनका नाम यूं कहें पिछले कुछ दिनों से लोगों की ज़ुबान पर है। और आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि लोगों की ज़ुबान पर नाम होने का कारण क्या है और उनकी उपलब्धि क्या है कि लोग उनको किस नाम से या किन कारणों से जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। थैंक यू। और आपका परिचय सर पहले क्या? मेरा नाम अविनाश कर है और मैं मधुबनी पेंटिंग का कलाकार हूँ और तो अभी जो सर लोग आपके बारे में आजकल बहुत ढूंढना शुरू कर चुके हैं और एक तरीके से लोगों की ज़ुबान पर आपका नाम है, इसकी वजह क्या है? अब वजह तो मेरी पेंटिंग ही है और तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक खबर आई है कि ये इसका मेरे वर्क का नटराज की जो है नीलामी हुई है और जिसका अभी तक का जो पहले तो सीता देवी के प्राइस जो 4 लाख में बिकी थी एक पेंटिंग कदम का पे, उसके बाद जो दूसरा सबसे अच्छी कीमत पे बिका है उसका वो मेरी पेंटिंग है नटराज, जिसकी कीमत 2,48,880 रुपये का है। तो लोगों में ये चर्चा का विषय बन गया। और जो सर सबसे बड़ी बात है कि आप एक युवा हैं और युवाओं की इच्छा सामान्य तौर पर जो देखा जाता है उनके परिवार से व समाज से, कहा जाता है वो डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य बड़े बड़े पदों पर जाने की इच्छा रखते हैं या फिर परिवार से इस प्रकार का दबाव होता है उन्हें कि आप इस प्रकार का कोई गरिमामयी काम करें। आज आपने एक पेंटिंग से वो गरिमा प्राप्त किया है और आप ही नहीं अपितु आपका जिला, आपका राज्य आज गरिमामयी गौरवपूर्ण है इन चीज़ों से। तो आपको क्या लगता है, क्या एक युवा होने के नाते आप उन युवाओं को भी कहना चाहते हैं कि वो इस क्षेत्र में आए? युवा तो पहले ही वो हैं, इसे चाहते हैं कि वो क्षेत्र में आए, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि सामाजिक तौर पे उनको सहयोग नहीं मिलता, न परिवार से न सामाजिक लोगों से, और दूसरा कि वो जब आ जाते इस क्षेत्र में तो उनको पता नहीं होता कि कैसे आगे बढ़ें, क्या करें। अच्छी सबको सामाजिक स्तर पे और सरकार के सहयोग से ऐसे लोगों को, युवाओं को स्कॉलरशिप दिया जाए और आगे बढ़ाया जाए जो आगे कला सीखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ तक कला जब तक हमारे समाज में स्थापित नहीं हुआ सही ढंग से, पूर्ण रूप से उस पर डिग्निटी नहीं मिलेगी लोगों को, तब तक समाज की जो आप देख रहे हैं स्थिति वो बेहतर नहीं होगी, क्योंकि कला ही जीना सिखाती है। कला से आप संवेदनशील होते हैं, चीज़ों के प्रति सजग होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप ये कहते हैं कि युवा को इस क्षेत्र में आना चाहिए और समाज को उसके प्रति सकारात्मक विचार रखना चाहिए युवाओं के प्रति। आप सर इस पेंटिंग पे जो आपकी जिसकी नीलामी हुई है 2,48,000 में, आप इस पेंटिंग पे कब से काम कर रहे हैं? ये मैंने 2017 में बनाया था और एक बहुत ही खास बात इसकी ये थी कि मैंने गांव घर के जो मिट्टी है उसको और जूट को दोनों को मिला के उस पर काम किया था, ताकि हमारी जो ग्रामीण वो है जो सुगंध है वो भी बनी रहे और अपनी पेंटिंग भी बन जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया और लोगों को पसंद आया और इंडिया आर्ट फेयर अभी इसी साल की जो हुई थी उसमें भी इसको जगह मिली थी और काफ़ी इसका वो हुआ था, पेपर और न्यूज़ में आया था ये। हालांकि ये एक नया था, एक जिस प्रकार से आप बता रहे हैं मिट्टी का और जूट का प्रयोग, ये मिथिला पेंटिंग में या मधुबनी पेंटिंग में एक नया था, एक आप इसमें इनिशिएशन कह सकते हैं इसको, एक नया इनिशिएट था जो सफल रहा। और सर मैं आपकी पृष्ठभूमि में थोड़ा जाना चाहूँगा, आपका अध्ययन कहाँ से हुआ, इस क्षेत्र में प्रवेश कब किए और मानसिक रूप से आप कब तैयार हुए कि नहीं मुझे यही करना है? मधुबनी की घटना है और एक कलाकार होने के नाते और एक युवा होने के नाते आपका क्या विचार है उस पर मैं जानना चाहूँगा। मधुबनी रेलवे स्टेशन को मिथिला पेंटिंग से सजाया गया, बहुत सारे कलाकार उसमें काम किए, उसके कुछ दिन बाद एक दुखद खबर थी कि बहुत सारे कलाकारों पर FIR दर्ज कर दिया गया या किसी प्रकार से वो उलझ गए उसमें, कारण जो भी रहा हो, लेकिन क्या उनको पारिश्रामिक के तौर पर आपको नहीं लगता कि उनका उत्साह वर्धन करना चाहिए था, न कि उसके जगह उनको किसी प्रकार से दंडित या ऐसा कुछ करना चाहिए था? आपका क्या व्यू है इस पर?
ये बहुत दुखद घटना है, मैं तो यही कहूँगा सबसे पहले, और जो भी इसके पीछे हुए हैं वो उनको दंडित करना चाहिए, और पारिश्रमिक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए ये तो हर कोई जानता है कि मिलना ही चाहिए, जिसने काम किया उसे तो मिलना चाहिए भाई। लेकिन जिस तरीके से प्रोसेस हुआ गया ये पूरा वाक्य कि हाँ पेंटिंग बनी है और बहुत सारे लोग काम किए हैं, इसमें दो चीज़ सामने आती है। एक तो आप ये देख सकते हैं कि कलाकार कितने उत्सुक है बाहर जाने के लिए और कुछ करने के लिए, दूसरा कि कलाकार कितने मजबूर हैं कि वो फ्री में भी कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ों को आप सामने रखिए और देखिए कि कहाँ से क्या हो सकती है, सरकार क्या कर सकती है, अपने बेसिक लेवल पर हम क्या कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि कहीं भी पेंटिंग कर दे रहे हैं, ठीक है, हम कहीं भी उस पर कोई थूक फेंक दे रहा है, कुछ कर दे रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अगर सपोर्ट करते हैं कलाकार को तो आप उसको ऐसी जगह दीजिए उनको कि वो वहाँ पे काम करे, उसके ऊपर लाइट लगे, बकायदे उसकी इज्जत सम्मान हो, या आप कहीं भी रोड साइड में बनवा दे रहे हैं जिसपे कोई भी पेशाब करके जा सकता है, मलबूत तो कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और अगर होती भी है, अगर बनवाते हैं तो आप उसको बकायदे शेड दीजिए, लाइट दीजिए, उसकी इज्जत दीजिए, तभी करवाइए, अगर नहीं हो संभव है तो फिर जाने दीजिए बात। एकदम संक्षेप में आप 1 मिनट में युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपकी पहली सबसे अंतिम सवाल है जवाब पहले दो, मानसिक तौर पे मैं मुझे नहीं मालूम है कि मैं कब से इस कला के लिए मैं वो हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारे गांव में बहुत सारे कलाकार हैं जो अच्छा काम करते हैं, ठीक है, जैसे संतोष दास हो गए, गोदावरी दत्त हो गए, बाकी और भी लोग हैं, तो इन सबको जो है ना देख के लगता था कि अरे अगर ये इतना आगे बढ़ सकते हैं तो हम भी बढ़ सकते हैं। हमें वहाँ से एनर्जी मिली, अपने आसपास के लोगों से मिली, और फिर जाके हमने डिसाइड किया था कि हाँ अभी इंटरेस्ट है तो आगे इसी को परस्यू करते हैं। और हमारे घर के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मी खासकर, मेरे पापा, ये लोग कभी मना नहीं किए कि जो तुम्हें करना है वो मत करो, बल्कि सपोर्ट किया, और फिर मैंने इसकी पढ़ाई की तब तक के। आप कहाँ से पढ़ाई की मैंने पढ़ाई किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, फाइन आर्ट कोर्स किया था, बैचलर, लेकिन अजीब अलग बात है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई है देश कला संकाय से, और सबसे अलग बात यह है कि मैंने मूर्ति कला से पढ़ाई किया, और मूर्ति कला भी मैंने जानबूझ के चुना था क्योंकि पेंटिंग की बहुत सारी चीज़ें मुझे पहले से मालूम थी, लेकिन मूर्ति कला में बहुत सारी चीज़ें सीखनी, मिट्टी से कैसे काम करना, आज आज वही मिट्टी मैंने नटराज में लेके आया, ठीक है, और फिर उसको इसी तरह मैं फिर वापस मधुबनी में आता। तो कहीं ना कहीं BHU में वो मूर्ति कला का जो पढ़ा हुआ अध्ययन सामग्री था वो यहाँ भी आपने उपयोग किया और उसका हाँ सफल परीक्षण किया। देखिए कलाकार ऐसे लोग होते हैं, कलाकार, लेखक, म्यूजिशियन, वो कहीं से भी कुछ भी कहीं भी जाते हैं, वो हर एक मिनट हर एक पल उनका सीखने का होता है, और सीखने कुछ भी आप सीखते हैं वो आपकी कला में भी आ जाता है। तो वही चीज़ है कि आप कुछ भी सीख रहे हैं, अगर हम कहीं ट्रैवल भी करते हैं तो रेलवे के ट्रेन के विंडो से हमें क्या दिखता है वो भी कभी कभी हमारे अंदर घुस जाता है और वो पेंटिंग के माध्यम से बाहर आया, वही एक